Hello everyone, myself Dr. Monica Maheshwari, consultant, gynecologist and obstetrician at Amandeep Medi City Hospital, Amritsar. Today we'll talk about the topic, present pregnancy after previous cesarean section and is there any hope of normal delivery? हाँ, अगर पहले प्रेगनेंसी में सीजरियन सेक्शन हुआ है और अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस क्या हो सकते हैं? यस, चांसेस हैं, बट इसमें काफ़ी फैक्टर्स भी डिपेंड करता है। एक बहुत बड़ा जो डर होता है पहले ऑपरेशन सीजरियन होने के बाद प्रेजेंट प्रेगनेंसी में कि स्कार रप्चर तो नहीं हो सकता, कि यानी कि जो स्कार जो प्रीवियस सीजरियन का स्कार है उसके रप्चर होने का रिस्क होता है। इसलिए वी हैव टू असेस द पेशेंट प्रॉपरली बिफोर गिविंग अ ट्रायल फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है कि स्कार किस तरह का है? पहले टाइम में बहुत मैनी ईयर्स बैक जब पहले सीजरियन करते थे तो जो स्कार होता था वो वर्टिकल होता था यूट्रस के ऊपर, जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी में रप्चर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए अगर ऐसा ऑपरेशन होता है तो उसमें हम सेकेंड नॉर्मल ट्रायल कभी नहीं देते, वी हैव टू गो फॉर सीजेरियन सेक्शन। बट आजकल सीजेरियन के टाइम हम स्कार ट्रांसफर्स देते हैं एंड लोअर सेगमेंट पर देते हैं, जिसकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है एंड स्कार इज मोस्टली स्कार इज वेरी गुड। तो अगर ऑपरेशन लोअर सेगमेंट पे किया गया है, दूसरा कि क्या इंडिकेशन था जिससे पहले सीजरियन किया गया था, कि एमरजेंसी सीजरियन सेक्शन तो नहीं था, पेशेंट बहुत अनिमिक तो नहीं था, पेशेंट की बाद में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया था। ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि स्कार वीक हो, उसके बाद कि पहले प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं था एंड देन बिफोर द गैप बिटवीन द लास्ट प्रेगनेंसी एंड द प्रेजेंट प्रेगनेंसी। सीजरियन स्कार को हील होने में एटलीस्ट 6 months लगते हैं, बट कहा जाता है कि एटलीस्ट 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स का गैप होना चाहिए बिटवीन द लास्ट सीजेरियन सेक्शन एंड द प्रेजेंट प्रेगनेंसी। नाउ व्हाट कैन बी द मोड ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंट प्रेगनेंसी? कि अगर लास्ट में सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो अब हमने सीजेरियन करना है या वी कैन गिव अ ट्रायल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। जैसे मैंने कहा कि अगर लास्ट प्रेगनेंसी में अपर सेगमेंट सीजेरियन स्कार था तो उसमें वी हैव टू गो फॉर द सीजेरियन सेक्शन। अगर पहले 2 या 3 सीजेरियन हो चुके हैं तो उसमें नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर सीजेरियन सेक्शन। अगर प्रेजेंट प्रेगनेंसी में कोई साथ में कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी, उसमें वी कैन गिव अ शॉर्ट ट्रायल फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। बट अगर इस प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया है और उसमें चांसेस होते हैं कि हो सकता है मॉर्बिड एडहेरेंट प्लेसेंटा भी हो, तो ऐसे में वी हैव टू गो फॉर द सीजेरियन सेक्शन। देन प्रेजेंट प्रेगनेंसी में अगर ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस है, यानी कि जैसे कि हाइड्रेम्नियोज है, ट्विन प्रेगनेंसी है जिसमें यूट्रस ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, तो चांसेस है कि जो स्कार है वो अभी और स्ट्रेच होकर और थिन हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में वी हैव टू फर्स्ट असेस द पेशेंट, वी हैव टू असेस द इंटीग्रिटी ऑफ द स्कार एंड वी हैव टू बी श्योर डेट कि हाँ स्कार अच्छा हील हुआ है, इसकी थिकनेस अच्छी है, विच वी कन्फर्म बाय अल्ट्रासाउंड एंड देन वी कैन गिव अ शॉर्ट ट्रायल फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि शॉर्ट ट्रायल ऐसे सेंटर में, डिलीवरी ऐसे सेंटर में ही कराई जाए जो हॉस्पिटल पूरा वेल इक्विप्ड हो, कि यानी कि अगर कल को इमिजिएटली हमें सीजरियन करना पड़े तो उसी हॉस्पिटल में फैसिलिटी हो सीजरियन सेक्शन करने की, हमें पेशेंट को ट्रांसफ़र ना करना पड़े, क्योंकि उस गैप में भी हो सकता है कि स्कार रप्चर हो जाए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट डेट यू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड यू डिस्कस योर केस विद हर दैट वेदर यू शुड गो फॉर द नॉर्मल ट्रायल और नॉट। थैंक यू।